हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। गाइस, इस वीडियो में आपको बताएंगे अपने यूट्यूब के सर्च हिस्ट्री को कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो गाइस, यूट्यूब के सर्च हिस्ट्री के डिलीट करने के लिए आपको सबसे पहले अपना यूट्यूब की जो एप्लीकेशन है उसको खोल लेंगे। तो गाइस, यूट्यूब की एप्लीकेशन जो है इसको खोल लेते हैं हम, तो उसका कुछ देर वेट कर लेते हैं। ओके गाइस, अब आपको यहाँ पर सर्च हिस्ट्री को जो डिलीट करनी है उसके लिए आपको सबसे पहले जो सर्च का जो ऑप्शन है उससे हम जाके एक चीज़ दिखा देते हैं। जैसे हम सर्च पे गए तो देख सकते हैं ये जो हमारी जो हमने ये सारी सर्चेस करी हैं, देख सकते हैं इतनी सारी सर्चेज ये हमारी सर्च होती है, मतलब एक्टिविटी क्या रहती है। तो अगर मान लीजिए आपको एक स्पेसिफिक एक दो सर्चेज जो आपने करी अगर उसको डिलीट करनी है, तो आपको उस सर्च पे जो आपने जो सर्च किया उस पर यूँ करके कुछ देर के लिए टाइप मतलब टैप करे देना है 2-3 सेकंड के लिए। जैसे आप उस पर टाइप मतलब टैप करे रहेंगे 3 सेकंड के लिए, फिर उसके बाद आएगा यहाँ पे कि रिमूव फ्रॉम सर्च हिस्ट्री। तो ऐसे करके आप अपनी उस सर्च हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे हमने 3 सेकंड के लिए टैप करा और यहाँ पे उसको हमने रिमूव कर दिया। तो गाइस, इस तरह से हम ये अपनी एक्टिविटी जो है मतलब सर्च हमने जो करा उसको हम डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको पूरी की पूरी अगर अपनी डिलीट करनी है, तो इसके लिए आपको अपना जो राइट साइड पे टॉप पे आपको डीपी दिख रही होगी उस पर टैप करना है। ओके गाइस, आपकी ये जो डीपी है खुल मतलब ये जो है अकाउंट खुल चुका है। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको सेकेंड लास्ट ऑप्शन दिख रहा होगा सेटिंग्स का, तो आपको यहाँ पर सेटिंग्स पर टैप करना है। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमने सेटिंग्स पर टैप कर दिया। यहाँ पर आपको 5th नंबर पर लिखा हुआ है हिस्ट्री एंड प्राइवेसी, तो यहाँ पे आपको हिस्ट्री एंड प्राइवेसी जो है उस पर टाइप टैप करना है। ओके, देख सकते हैं यहाँ पे आपने जो हिस्ट्री एंड प्राइवेसी है उस पर टाइप कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा क्लियर सर्च हिस्ट्री और क्लियर वॉच हिस्ट्री। तो यहाँ पे लिखा है क्लियर वॉच हिस्ट्री की बात करें तो मतलब जैसे अगर कोई वीडियो आपने देखा है, ठीक है, तो उसको अगर चाहते हैं कि आप मतलब कि वो जैसे लाइक वाइक उस पर कि वो सब हट जाए, तो ये होती है वॉच हिस्ट्री। जैसे कि आपने वीडियो देखा है तो वो वीडियो मतलब हट जाएगा आपकी लिस्ट से, वॉच में से। तो इस तरह से आप अपनी रीसेंट में से क्या हो सकता है, आप आपको दिखा भी देते हैं। एक होती है क्लियर वॉच हिस्ट्री, एक होती है सर्च हिस्ट्री। सर्च हिस्ट्री भी हम आप लोग को दिखा दिया, वॉच हिस्ट्री क्या होती है हम आपको दिखा देते हैं। वॉच हिस्ट्री आपकी होती है ये देख सकते हैं लेफ्ट साइड पर जो आपको लाइब्रेरी का ऑप्शन दिख रहा है, लाइब्रेरी का बिल्कुल नीचे आप देख सकते हैं ये सब आपने जो वीडियोज़ देखे हैं ये आपके वो होते हैं वॉच हिस्ट्री। ओके, इस ये रीसेंट में होते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम वापस चले जाते हैं वहीं पे सेटिंग्स में जाके हिस्ट्री एंड प्राइवेसी में, और आपको यहाँ देख सकते हैं वापस हम वहीं पे चले आ रहे हैं। ओके, यहाँ से आप अपनी वॉच हिस्ट्री डिलीट कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है वॉच हिस्ट्री, तो यहाँ से हम पूरी की पूरी क्लियर वॉच हिस्ट्री कर देंगे। तो यहाँ पर मेरी जो वॉच हिस्ट्री वो पूरी क्लियर हो गई जो हमने आपको दिखाया था अभी रिसेंट वीडियोज़। फिर उसके बाद सर्च हिस्ट्री को डिलीट करना है जो सर्चिस में होता है, तो वहाँ से आपकी सर्च हिस्ट्री कैसे करेंगे, तो आपकी सर्च हिस्ट्री डिलीट हो गई। ओके, जब आपकी डिलीट हो जाएगी हिस्ट्री, उसके बाद आपको बैक कर देना है और आपको वापस जो है अपने यूट्यूब पे आ जाना है। ओके गाइस, यहाँ पे हम अपने वापस यूट्यूब पे आ गए। अब आपको हम दिखा देते हैं दोनों चीज़ें। पहले हम लाइब्रेरी में आपको दिखा देते हैं। लाइब्रेरी में जब आप जाएंगे तो यहाँ से आप इसको रिफ़्रेश करिए। तो जैसे जब हमने रिफ़्रेश करी देख सकते हैं मेरे जो रीसेंट वीडियोज़ थे सारे के सारे वीडियोज़ मेरे रीसेंट के हट गए, वे एक भी वीडियो हमको नहीं दिखा रहा है। उसके बाद अब हम आपको दिखा देते हैं सर्च हिस्ट्री के लिए। तो यहाँ से आप जाएंगे सर्च पे, जब टैप टैप करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं सर्च से जब हम कर रहे हैं तो यहाँ पे मेरी सारी की सारी हिस्ट्री खाली हो गई। तो कहते इस तरह से आप अपनी सर्च हिस्ट्री वॉच हिस्ट्री पूरी की पूरी डिलीट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हेल्पफुल लगा तो गाइस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।